तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक चैनल में। दोस्तों तो दोस्तों पिछले एक दो दिन से कुछ एक जो वायरल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर सब जगह मैसेज वायरल हो रहे हैं। दोस्तों कई जो फ्रेंड्स हमारे दोस्त हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो भी मुझे पूछ रहे हैं दोस्तों कि सर इनका क्या सच है। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक वायरल जो मैसेज ये हो रहा है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसको लेकर कई स्टूडेंट दोस्तों घबरा गए हैं कि जिनका एक दो मार्क्स हो गया है, कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बोला था अगर नॉर्मलाइजेशन होता है मान लीजिए तो एक दो नंबर से उनका सिलेक्शन हो सकता है, या जो क्वेश्चन इग्नोर हुआ उनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो कई लोगों में, स्टूडेंट में दोस्तों उम्मीद की किरण आ गई थी, मगर अभी जो एक वायरल मैसेज हो रहा है जिसकी वजह से कई लोग दोस्तों निराश हो रहे हैं दोस्तों, तो उस वायरल मैसेज का मैं आपको सच या झूठ जो भी है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए आप, ठीक है, कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, ये जो मैसेज है इस वायरल मैसेज का सच क्या है, ठीक है दोस्तों। कई जो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों मैंने देखा कि वो लोग इस तरह बना के दिखा रहे हैं कि मैंने कोई मेल सेंड किया था और उसका रिप्लाई आया तो दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश में, तो कभी भी इस तरह से ये जो मैसेज आया है ये लगता ऐसा है कि किसी ने एडिट किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है मैसेज। तो दोस्तों आप देखिए ये कुछ इस तरह का जो हमारे सामने मैसेज आ रखा है, ठीक है। अब अगर आप इस मैसेज को गौर से देखें दोस्तों, ऐसा लगता है कि किसी ने जो है दोस्तों टाइप किया हुआ है इस पूरे मैसेज को अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी में भी है, मोबाइल में टाइप किया है और इसको रख दिया है। चलिए दोस्तों देखिए क्या है इस पूरे वायरल मैसेज का सच और क्या है कैसे है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। सबसे पहले देखिए ऐसा लगे ऐसा लगे कि किसी ने खुद से टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी तरह से कोई किसी वीडियो में ये बोला गया कि इसको है ना जो हमारा ईमेल भेजा गया उसका रिप्लाई है दोस्तों, सरासर गलत है। इस तरह से कभी भी रिप्लाई आता ही नहीं है दोस्तों। अगर ईमेल का रिप्लाई आता तो बाकायदा आप स्क्रीनशॉट में दिखा सकते हो कि हाँ भाई रिप्लाई उधर किधर लिखा गया, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये बात सच नहीं है दोस्तों। दूसरी बात है, कुछ लोग अपनी जो है दोस्तों वीडियो वायरल वगैरह करने के लिए दोस्तों इस तरह की ट्रिक्स जरूर अपना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ऑफिशियली दोस्तों अभी तक आया ही नहीं किसी भी RRB वगैरह पर, अगर ऐसी नोटिफिकेशन आती दोस्तों तो सीधे सीधे RRB पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि कई तरह के डाउट हम लोग RRB से, RRC से पूछते हैं दोस्तों और वो हमें रिप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ एक कोरिजेंडम आया था दोस्तों, तो आपको ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपके साथ ये होगा या ये गलत, किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों ये मैसेज पूरा पढ़ के मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि प्रिय अभ्यर्थी ELP टेक्नीशियन CN1 2018 CBT2 के पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन, एक ट्रेड का PCM एक्सेल फिजिक्स अन्य ट्रेडों से नहीं की जा सकती क्योंकि सभी के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ हम ऐसा नहीं कह रहे कि PCM वालों का और इलेक्ट्रिशियन वालों का नॉर्मलाइजेशन एक करो या फिटर वालों का या इलेक्ट्रिशियन वालों का एक करो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की विस्तृत जानकारी हाल ही में जारी हुई ग्रुप डी लेवल 1 नोटिफिकेशन RRC 1 2019 के नोटिफिकेशन पैरा 15 में दी हुई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त सिलेबस समान होता है। दोस्तों शर्त तो किसी तरह से लिखा ही नहीं है वहाँ पे कि कंडीशन रूल्स अप्लाई इस तरह से कुछ भी लिखा नहीं है, मैं आपको एक बार पढ़ के जरूर बताऊंगा। पहला शर्त समान सिलेबस हो, दूसरा शर्त एक ये देखिए दोस्तों कि शर्त और शर्त में कितना वो है जो इसने हमारे भाई ने जो भी लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है शर्त, ठीक है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस महान व्यक्ति ने इसकी जो है एडिटिंग की होगी दोस्तों, जिसको शर्त और शर्त में फ़र्क नहीं पता दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ जो नोटिफिकेशन लिखा है ये भी किस तरह से लिखा हुआ है जो कि इस तरह से लिखा नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं किस तरह से अधिक चरणों में परीक्षा हुई हो तो हो चुकी, ये देखिए दूसरा शर्त एक से अधिक चरणों में परीक्षा हुई तो चुकी, ठीक है। गलतियाँ आप देखिए क्या मीनिंग समझा ही नहीं पा रही है। ELP टेक्नीशियन CBT2 पार्ट बी में सभी के सिलेबस अलग अलग थी इसीलिए नॉर्मलाइजेशन संभव नहीं है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अभी इसके आपको मैं डिटेल बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेम बात ही इंग्लिश में, तो कभी भी दोस्तों अगर रेलवे अगर कोई नोटिफिकेशन देता है एक साथ, ठीक है, एक साथ कभी भी आपका दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में कभी भी एक साथ नहीं देता, ठीक है ना। ये इस तरह से ये पूरा साफ साफ एडिटिंग किया हुआ है दोस्तों, साफ लग रहा है। एक बार मैं फिर भी आपको RRC का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों ये जो ग्रुप डी का 1,00,000 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय देम व्हेनेवर CBT इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर द सेम सिलेबस। सेम सिलेबस के लिए मल्टीपल सेशन में कराया जाएगा, मान लिया हमने बात, ठीक है। द नॉर्मलाइजेशन स्कीम टू बी अडोप्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द जो भी CBT कैंडिडेट को PET के लिए कैंडिडेट करने के लिए कराया जाएगा। यहाँ नॉर्मल जो है फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों, किसी भी तरह से ये नहीं लिखा कि ये कंडीशन ये होना चाहिए, सेम सिलेबस माना सेम सिलेबस होगा, ठीक है। अब चलिए मैं मेन बात बताना चाहता हूँ आपको, जो बताता हूँ दोस्तों, तो देखने वाली बात है कि ये कहना चाहता है इस वीडियो में जो इस नोटिफिकेशन है कि मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन का पेपर ये कहना चाहता है दोस्तों एक बार ही हुआ है एक ही शिफ्ट में। मगर दोस्तों मैं खुद मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं ये जानने वाले जिनके दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में, किसी का 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, किसी का 22 तारीख को, किसी का 23 तारीख को, या ठीक है किसी का 21 तारीख को ही पहली शिफ्ट में, किसी का तीसरी शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन का पेपर हुआ है।
दोस्तों जब सेम सिलेबस का पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ है तो एक बात बताइए, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा? ठीक है, कोई कहता है मेरा पेपर हार्ड है, कोई कहता है इजी है, सभी के सेट में क्वेश्चन एक सेम तो आए नहीं, दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन आए थे, तो कुछ हार्ड हो सकता है, कुछ इजी हो सकते हैं। तो मैं ये जो बंदा जिसने भी ये सर्कुलेट किया है दोस्तों, ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों एक ही मान लीजिए 21 तारीख की फर्स्ट में हो गया, फिर 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में दोस्तों फिटर का हो गया, फिर 21 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पीसीएम का हो गया, फिर इसी तरह से जितने भी एसी आरएसी जो भी मैकेनिक डीजल वगैरह है वो सारी ट्रेड का हो गया। तो गलत है बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल रॉन्ग है, तो आप इस खबर को दोस्तों ना माने। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है? ठीक है, दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो अगर रेलवे करना चाहेगी तो दोस्तों वो ऑफिशियली बता देगी। ठीक है, ऑफिशियली दोस्तों अनाउंस हो जाएगा। आप किसी भी तरह के इन वायरल मैसेज का, इस सच झूठ का बिल्कुल आप दोस्तों बात मत मानिए इसको। ठीक है, ये सरासर झूठ है, ये मैसेज बनाया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। नॉर्मलाइजेशन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा जिनके लिए अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर आप अपनी मेहनत पर ध्यान रखिए पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो कि इस तरह की वीडियो को देख के डिमोटिवेट हो चुके हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको रेलवे और गवर्नमेंट जॉब से मिली हुई जुड़ी हुई सारी जो खबरें दोस्तों मिलती रहे, और आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो मिलती रहे।